अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास स्टोरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताया करें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आज की पहली स्टोरी एक चूड़ियों बेचने वाली के मुतल्लिक है जो मैं आपको सुना रही हूँ। ये एक सब्सक्राइबर ने रावलपिंडी से मुझे सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात कभी बुलाए नहीं जा सकते। ऐसा ही एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में भी पेश आया था। मैं अक्सर रात को घर से बाहर वॉक करने जाता था और घंटों गलियों में या रोड पर वॉक करता था। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया कि इसके बाद मैंने दोबारा रात को वॉक करना ही छोड़ दिया। इस रात से पहले मुझे कभी जिन, भूत, चुड़ैल वगैरह पर यकीन नहीं था, लेकिन इस रात के बाद मेरा ये ख्याल बुरी तरह से बदल गया। अभी रात के 8 बज रहे थे। वो सर्दियों की रातें थीं इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता था और लोग जल्दी घरों में सो जाते, इसलिए रात के 8 बजे से ही हमारे मोहल्ले की गलियां खाली होना शुरू हो गईं और लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। मैं हसबे मामूल वॉक के बहाने चलता हुआ इस गली की तरफ जा रहा था। मैं रात को तकरीबन 1 घंटा रोज़ाना वॉक करता था और यूं ही बेमकसद गलियों में टहलता रहता। इस रात भी मामूल के मुताबिक मैं घर से निकलकर गलियों में वॉक कर रहा था। गली में चंद ही लोग थे। मैं इन सब को इग्नोर करता हुआ अपनी ही धुन में चलता जा रहा था। चलते चलते एक और गली में मैं आ गया। दूसरी गली में दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी है। मैं रुक कर पीछे देखा, मुझे अंधेरे में कुछ नज़र ना आया और मैं फिर से चलने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो। इस वक्त गली के बिल्कुल खाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ कोई और भी है। मैं सिर्फ 4 कदम आगे आया था जब किसी लड़की ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। इस बार मेरे कानों में कोई धोखा नहीं हुआ था, कोई लड़की सच में मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने तेज़ी से पीछे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने हाथों में चूड़ियों का एक टोकरा पकड़ा हुआ था। बस ये सब देखते ही मैं हैरत में रह गया कि इस वक्त ये लड़की कहाँ से आ सकती है और वो भी इतनी खूबसूरत। शायद वो कोई चूड़ियाँ बेचने वाली लड़की थी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो साहब, ज़रा 2 घड़ी मेरी बात भी तो सुन लो। मेरा दिल भी बेईमान हो चुका था। एक तो मैं इस लड़की को इतनी रात वहाँ देखकर खुश हुआ था, दूसरा इस लड़की की बात सुनकर मैं मज़ीद बेचैन हो गया। मैंने इस लड़की का जायज़ा लेते हुए सोचा और उससे पूछा कि जी आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम। वो लड़की बिना किसी वजह के मुस्कुरा रही थी। मैं तो खुशी से पागल होने लगा। पहला ख्याल तो मुझे यही आया कि शायद वो कोई जिस्म बेचने वाली लड़की हो। ये सोचकर मेरा मूड ऑफ होने लगा। इस लड़की ने मेरी बात का जवाब में कहा कि साहब मैं बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बेच रही हूँ, अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ ले लो। इस लड़की की बात सुनकर मैं खुश हो गया और उसने चूड़ियाँ मेरी तरफ बढ़ाईं। मैंने एक्सक्यूज़ करते हुए कहा कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करता। वो बोली कि कोई नहीं साहब, कभी तो शादी हो जाएगी, ये ले लो चूड़ियाँ और जब शादी होगी तो बीवी को पहना देना। मैं इस लड़की से यूं ही ज़िद करने पर हैरान रह गया। फिर मैंने अपनी आदत की वजह से कहा कि लाओ मुझे ये दे दो, मैं ख़रीद लेता हूँ, जिस पर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं यूं इसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। चाहे मैं अकेला था मगर मैं इस लड़की की इज्जत ख़राब नहीं करना चाहता था। फिर मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि फिर इसने अपना दुपट्टा उतार दिया और अब इसका जिस्म मुझे नज़र आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली कि साहब एक रात मेरे साथ गुजारो, यहीं पास में मेरा घर है। मैंने सपाट से लहजे में कहा कि जी नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। बस इसका जवाब दे ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। मैंने इस लड़की के पांव देखे जो उल्टे थे। इसका मतलब कि वो कोई लड़की नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। मैंने वहाँ से चले जाने में ही अपनी बेहतरी जानी। मैं तेज़ी तेज़ी से आयतल कुर्सी और कलमा पढ़ने लगा। बस देखते ही देखते इस लड़की की शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई। वो एक लंबे दांतों वाली बदसूरत चुड़ैल बन गई। उसने मुझसे कहा कि ये तुम जो पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। मैंने इसकी बात नहीं सुनी और आयतल कुर्सी पढ़ता रहा।
फिर मैंने वहाँ से इस गली से भागना शुरू कर दिया और वो चुड़ैल तेज़ी तेज़ी से मेरे पीछे पीछे भागने लगी। इसके मुंह से अब खून टपक रहा था और वो बहुत खौफनाक लग रही थी। मैं इस किस्म की खौफनाक लड़की पहली बार देख रहा था। लड़की मिली भी तो मुझे कैसे मिली? रात का वक्त और अकेली गली में, ऊपर से चुड़ैल हमला करे तो इंसान की क्या हालत हो जाती है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं भागता हुआ दूसरी गली में दाखिल हुआ, वो चुड़ैल भी मेरे पीछे पीछे दूसरी गली में आ गई। मुझे लगा आज मेरी ज़िंदगी बचना नामुमकिन है। बस मैं दोबारा से दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी पढ़ता जा रहा था। मैं तेज़ी से भागते हुए अपने घर में दाखिल हुआ और जल्दी जल्दी से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा सांस पूरी तरह से फूल चुका था। मैं वहीं दरवाजे पर बैठ चुका और एक गिलास पानी मैंने पिया। इस रात के बाद मुझे वो चुड़ैल दोबारा नज़र ना आई और ना ही मैंने कभी दोबारा अकेले में रात को बाहर जाने की हिम्मत की और ना मैंने कभी ऐसी लड़की के ख्वाब देखे थे। ये दूसरी स्टोरी भी एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है जिनका नाम शबाना है। मेरा नाम शबाना है और मेरी उम्र 20 साल है। ये वाकया इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप सबको भी कुछ सबक हासिल हो। 5 साल पहले जब मैं 15 बरस की नौजवान लड़की थी तो इन्हीं दिनों मैट्रिक के इम्तहान पास करके मैं फारिग हो गई थी। ऊपर से गर्मियों की छुट्टियाँ आ गईं और मैंने अम्मी से कहा कि मैं अपनी खाला नौरीन के पास कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। मेरी एक ही खाला हैं जो कि बाहेवलपुर के एक गांव में रहती हैं। इनकी शादी चंद साल पहले इस वक्त हुई जब मैं पैदा हुई थी। अब तो खाला का 19 साल का एक बेटा भी था। खैर, कुछ देर की ज़िद के बाद अम्मी ने मुझे खाला के यहाँ जाने की इजाज़त दे दी और भाई मुझे खाला के घर छोड़कर वापस चला गया। मेरी खाला मुझे घर में देखकर बहुत खुश हुई और उसने साफ कह दिया कि अब आई हो तो एक महीने से पहले वापस नहीं जाने दूँगी, बस आराम से मेरे पास रहो। मुझे तो पहले ही नज़र में खाला का बेटा बहुत अच्छा लगा। वो तो बहुत खूबसूरत भी था लेकिन खालू मुझे बहुत अजीब से लगे। इनके चेहरे से एक अजीब सी खबासत टपकती थी और खौफ महसूस होता था। किसी वक्त तो मैं इनके चेहरे को देखकर डर सी जाती थी। न जाने खाला जो कि इतनी खूबसूरत थी इसके दाम में कैसे फंस गई थी और इससे शादी कर बैठी। क्योंकि गर्मियाँ थी इसलिए खालू और खाला रात को छत पर सोते थे और मैं और सलमान नीचे सहन में पंखा चलाकर एक ही मंजी के पास सो जाते थे। सलमान मेरे से काफ़ी उनसियत हो गई थी। पहली रात मेरी आंख खुली तो मैंने ऊपर छत पे जाने का सोचा लेकिन अंदर से मुझे डर लग रहा था कि क्या मालूम ऊपर खालू जाग ना रहे हों और मेरे बारे में क्या सोचें, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे खालू की शख्सियत अजीब पुरुषसार सी लगती थी। वो सारा दिन मुझे अजीब सी नज़रों से देखते रहते लेकिन जब मैं इनको देखती तो वो मुस्कुराने लग जाते। खाला इनके सामने कम ही बात करती थी और मुझे यूँ महसूस होता जैसे खाला भी इनसे डरती हों। लेकिन एक बात यह भी थी कि खालू घर में खाला को वो सारी आसाइशें मुहैया कर रखी थी जिसकी किसी भी औरत को ज़रूरत होती है। खैर, अब मैं दबे कदमों से छत पर जाने का सोच रही थी। चनाचा मैंने दबे कदमों से छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। एक एक सीढ़ी पर बिना आवाज़ कदम किए मैं कदम उठा रही थी। मैं छत के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी क्योंकि मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें पड़ रही थीं, जैसे कोई तकलीफ़ से करा रहा हो, जैसे कोई हैवान गुर्रा रहा हो या जैसे कोई किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से फर्श से रगड़ रहा होता है। मैं परेशान हो गई कि छत पर ऐसा क्या हो सकता है। खैर, मैंने डरते डरते सर ऊपर निकाल कर देखा तो चाँद की रोशनी में एक अजीब समंदर देखा। खालू चरपाई पर लेट के और खाला इनके सर में सरसों के तेल की मालिश कर रही थी। खालू कभी कभी मुँह से अजीब सी आवाज़ निकालते और फिर खामोश हो जाते। मैं ये मंजर देखकर हैरतज़दा रह गई कि जहाँ थी कि मैं वहीं की वहीं साकत खड़ी थी। मेरे कदम तो जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए थे। न जाने कितने ही पल बीत गए कि अचानक खाला ने गर्दन घुमा कर मुझे देख लिया और मुस्कुरा कर कहा कि आ जाओ बेटा। मैं खाला को अपनी तरफ मतवज्जा देख कर होश में आ गई और जल्दी से नीचे उतर कर चरपाई पर जाकर लेट गई। मुझे हैरत हो रही थी कि ये सब क्या माजरा है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि सुबह उठी तो खालू घर पर नहीं थे। खाला मेरी किचन में मसरूफ़ थी। मैं मुंह हाथ धोकर इनके पास चली आई। वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगी तो अचानक से मेरे जहन में रात वाला मंजर आ गया। मैंने एकदम से इसके बारे में सवाल कर डाला। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती खाला ने बताया कि इनके सर में दर्द होता है तो मैं तेल डाल देती हूँ। ये सुनकर मुझे इंसान के करतूतों और फिर बेबसी पर रोना आ गया। जब इंसान दूसरों को अज़ियत देता है तो समझता है कि इसने ऊपर वाले को पकड़ में कभी नहीं आना और जब वो पकड़ में आता है तो कहता है कि मैं तो बेकसूर हूँ, मैं तो बिला वजह की सज़ा काट रहा हूँ।
इस दिन के बाद से मुझे खालू से हमदर्दी सी हो गई, लेकिन मैं इसलिए अलर्ट हो गई कि ज़्यादा कहीं उनको पता ना चल जाए या वो मुझे नुकसान ना पहुंचा जाए। ये अगली कहानी अहमद राणा ने सेंड की है। ये कहानी हमारे गांव के एक लड़के की है। एक दिन इसके दोस्तों ने इसे शर्त लगाई कि आज अगर तुम स्कूल में सफ़ेदे के दरख्त के पास जाकर दिखाओ तो हम तुम्हें पैसे देंगे और इनाम के तौर पर होंगे। और इस दरख्त के बारे में मशहूर था कि वहाँ साया है, लेकिन वो लड़का वहाँ जाने को राज़ी हो गया। इसके बताने के मुताबिक जब वो वहाँ गया तो वहाँ दरख्त के पास जाकर इसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। कुछ लम्हे के बाद इसको महसूस हुआ कि वहाँ कोई है और इस दरख्त पर इसके साथ साथ गाना गा रहा है। उसने ऊपर देखा, इर्द गिर्द देखा, मगर कुछ नज़र ना आया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ ऊँची होने लगी और एकदम इसके साथ तेज़ हवा चलने लगी। और वो हवा इस कदर तेज़ थी कि इस जवान आदमी को उठाकर इधर से उधर पटखने लगी। तब इसने डर के मारे कपकपी तारी हो गई। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर वहाँ पर कोई नहीं था इसकी मदद को। फिर इसने देखा कि एक साया इसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी इस लड़के ने बचने के लिए भागना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी की तलावत शुरू कर दी। भागते भागते वो बेहोश हो गया और सुबह लोगों को स्कूल के दरवाजे के पास मिला। जब उसे पूछा गया तो उसने बताया कि रात को इसके साथ जो कुछ हुआ, इस वक्त के बाद से इसके चेहरे से डर साफ जाहिर था और इस दिन के बाद इसने तौबा कर ली कि आइंदा ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। ये नेक्स्ट रियल इंसिडेंट भी एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया है, जिनका नाम मुझे उन्होंने नहीं लिखा। आई मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये 17th की दहाई की बात है कि ये कोई आजकल का वाकया तो है नहीं था। उसने कराची में मौजूद अमेरिकन लाइब्रेरी में कदम रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में इंजीनियरिंग में टॉप किया और अमेरिका चला गया। काम का काम और बस काम ही से काम था उसे। वो अपने ख़ानदान में वाहिद ग्रेजुएट था, अकेला खुशनसीब जिसे मुल्क से बाहर काम मिला और वो वाहिद कफील था। काम के दौरान इसको एक वाइट अमेरिकन मार्गरेट से शादी हो गई। तरक्की पर तरक्की, अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। काफ़ी सालों के बाद वो आज अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान लौटा। ये 83 का ज़माना था, सब लोग खुश पाश जिंदगी गुजार रहे थे, मगर एक ज़रूरी काम से कंपनी ने उसको वापस बुला लिया। बीवी को पाकिस्तान छोड़कर एक हफ्ते के बाद वो वापस आके अमेरिका रवाना हो गया। 26 घंटों के बाद, तवील सफ़र के बाद, उसने रात की तारीकी में न्यूयॉर्क में मौजूद अपने घर का दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर आकर औंधे मुंह लेट गया कि सुबह काम पर उसको पहुंचना था। इसने बमुश्किल तमाम 6 बजे का अलार्म लगाया। सुबह उसकी आँख 11 बजे खुली। वो काफ़ी देर तक हैरान और परेशान घड़ी को देखता रहा। उसने छलांग मारकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो अपने आप को 1 इंच भी ना हिला पाया। उसने घबराहट में चीखना चाहा, मगर कोई आवाज़ ना निकल सकी। रात के किसी पहर जब वो ख्वाबों में दुनिया फतह कर रहा था तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे फालिज का अटैक हुआ और सुबह तक उसका जिस्म और उसके हाथ पांव हरकत करने से माजूर हो चुके थे। उसका दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था, मगर इससे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। ये सोचते हुए कि वो कौन है, इसका नाम क्या है, बीवी बच्चे माँ बाप कौन है, ये सब कुछ वो भूलता चला जा रहा था। याददाश्त का खोना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किस्तों में खुदकुशी कर रहा हो। हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, मदम मदम वो तमाम लोग जिनके होने की हम जिंदगी कहते हैं, दिमाग से रुखसत होते चले जाते हैं। दिल में रहते हैं, मगर दिल तो एहसासात का मजमुआ है। मिस्टर सदीकी को बिस्तर पर पड़े पड़े आज तीसरा रोज था। मोबाइल फ़ोन तो इस दौर में होते नहीं थे, और अगर होते भी तो वो कौन सा इस काबिल थे कि वो हाथ हिला सकते। घर में मौजूद फ़ोन बजता रहा, कभी ऑफिस वाले कॉल करते तो कभी पाकिस्तान में घर वाले। इतनी बेबसी तो शायद मुर्दों को भी ना हुई होगी कि उन्हें कम से कम इस बात का तो सुकून होता होगा कि वो मर चुके हैं। मरना कितनी बड़ी नेमत है, इन्हें आज समझ आ रहा था। 4th दिन, 5वां दिन और आज 6ठा दिन। गलती से आज डाकिया ने दरवाज़ा खोला, देखकर मिस्टर सदीकी को हला हाई करने आ गया कि इनका अखलाक पूछता जाए। और वो हमेशा डाकिया को देखते तो अहल अहवाल पूछते थे। डाकिया ने खुली आंखें मगर साकत जिस्म को देखा तो 911 पर एमरजेंसी कॉल कर दी। वो आए और उन्हें उठा कर ले गए। अगले 9 माह सदीकी साहब कोमे में रहे। वहाँ उनको होश आया तो कैंटकी के एक हॉस्पिटल में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता था जिनका वाहिद इलाज खुद मौत होती थी। दिन रात, महीने और साल गुजरते चले गए। बीवी ने समझा कि किसी और के साथ उन्होंने घर बसा लिया होगा और इसे भूल गए।
इसने भी कहीं और शादी कर ली। बहन भाइयों और रिश्तेदारों ने समझा कि पैसे की हवस ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ने पर मजबूर कर दिया होगा। बाप ने समझा कि बेटा अमेरिकन जिंदगी में बिजी हो गया होगा और घर वालों की खैरियत लेने का उसे वक्त नहीं। वो नाराज़ हो गया और इन्हें नाराज़गी में कुछ सालों बाद बाप का उनके इंतकाल भी हो गया। माँ फिर माँ होती है। आखिरी वक्त तक वो इंतज़ार करती रहीं कि एक दिन उनका बेटा ज़रूर वापस आएगा। उसने मरते वक्त भी वसीयत कर दी कि जब बेटा आए तो इसकी कब्र पर ज़रूर लेकर आएं। आज इस वाक्ये को 33 ईयर्स हो गए हैं। मिस्टर सदीकी और इनका नाम जो कि हमें पूरा नहीं जानता, आज भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते, मगर थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं। पिछले चंद माह इसी सेंटर में एक पाकिस्तानी आता था, इसका नाम शाहिद है। शायद उन्हें वो देखता और उन्हें शक गुजरता कि ये पाकिस्तानी हैं, मगर एक क्लीन शेव बूढ़े को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। बोल तो वो सकते भी नहीं थे। आज मिस्टर शाहिद को एक तरतीब सूझी कि वो घर से पाकिस्तानी चिकन बिरयानी लेकर गए और मिस्टर सदीकी के सामने रख दी। मिस्टर सदीकी के पूरे जिस्म में सिर्फ आँखें बोलती थी, आज तो जैसे वो बाहर को निकल आए। नर्स उनको चम्मच से बिरयानी आहिस्ता आहिस्ता मुंह में डालती जाती है, मगर इतने आंसू इसमें मिल जाते कि अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता कि चम्मच में चावत की मकदार ज़्यादा है या उनके आंसुओं की। ये आंसू इस बात का सबूत थे कि बंदा या तो पाकिस्तानी है या इंडियन। शाहिद ने मरीज को गले लगा लिया और दोनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे। अगली 6 माह में शाहिद ने सब पता लगा लिया कि ये शख्स कौन है, मगर अब इन 33 ईयर्स के बाद फैमिली को तलाश करना एक बड़ा मसला था। उसने इनकी तस्वीरें खींचकर फेसबुक पर लगा दी। 2 ही हफ्तों में इनका मिस्टर सदीकी की गुज़श्ता बीवी और बहन से रब्ता हो गया। इस हफ्ते मिस्टर सदीकी और इनकी बहन अमेरिका के एक हॉस्पिटल में मिले। ना कुछ बोल सके और ना हाथ हिला सके, हाँ मगर आंसू तो कमबख्त हैं, फालिज में भी निकल आते हैं। आज रात शाहिद सोच रहा था कि आदमी गुरूर और तकबर किस बात पर करे। चलते फिरते निज़ाम में से कुदरत एक आदमी को बिना मौत के 33 साल के लिए निकाल कर बाहर कर देती है। वो जो समझता था कि अगर वो काम ना करे तो खाएगा कहाँ से, उसे भी बिठा कर बल्कि लिटा कर 33 साल खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, इन तमाम बीमारियों का अंदाज़ा कर ले जो अपने जिस्म में साथ लेकर चलता है, और इनमें से कोई निकल पड़ी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो गरूर और तकबर आंसू बनकर बह जाते हैं। ये कहानी हम सब के लिए बहुत इबरत वाली है अगर हम इसको समझें। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।